छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बच्चा चोरी की अफवाह तेजी से फैल रही है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में बच्चा चोरी के शक में मारपीट की घटना भी बढ़ती जा रही है। दुर्ग भिलाई के बाद राजधानी रायपुर में भी बच्चा चोरी के शक में मारपीट की घटना सामने आई है। रायपुर के डीडी नगर में इस तरह की एक घटना हुई है, जिसमें एक युवक की कुछ लोगों ने जमकर पिटाई की है। इस अफवाह के चलते कई बेगुनाह मारपीट के शिकार हो रहे हैं। पुलिस अब लोगों से अपील कर रही है कि यह सिर्फ एक अफवाह है, राज्य में इस तरह का कोई गिरोह सक्रिय नहीं है। यदि किसी नागरिक को किसी पर भी संदेह होता है, किसी भी प्रकार की मारपीट न करें, पुलिस को तत्काल सूचना दें। पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी। तो वही इस पूरे मामले को लेकर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि बच्चा चोरी के शक में मारपीट करने वाले, फेक न्यूज वायरल करने वालों के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, बच्चा चोरी वाला गिरोह अभी यहाँ पे सक्रिय ऐसी बात नहीं है। बच्चा चोरी वाला कोई गिरोह नहीं है। कभी कभी ऐसी अफवाहें उड़ती हैं, उसके चक्कर में कोई भी जो संदिग्ध दिखता है उसको लोग बच्चा चोर मानने लग जाते हैं। तो बच्चा चोर वाली बातें नहीं है। अलग अलग जगहों पे कहीं पे कुछ भिखारी हैं जो कुछ काम करने आए हैं, कुछ और संदिग्ध लोग हैं जो कुछ और चोरी करने आए हैं, बट उसको भी लोग बच्चा चोर बोल दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, और ऐसा कहीं पे भी लगता है तो मीडिया के माध्यम से मेरी अपील है, वो तत्काल पुलिस को इन्फॉर्म करें।